नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे पास है एम्ब्रेन की वाइज ईओन प्रो स्मार्ट वॉच। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों कैसे आप इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के साथ, कैसे दोस्तों आप इस वॉच में डे टाइम सेट कर सकते हो, एंड दोस्तों कैसे आप इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग को अनेबल कर सकते हो, एंड दोस्तों कैसे आप इस वॉच में कस्टमाइज वॉच फेस सेट कर सकते हो। अगर आपने खुद की फोटो लगानी है एज अ वॉच फेस तो आप कैसे लगा सकते हो इस वॉच में, तो दोस्तों ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वॉच को फ़ोन से पेयर करने के लिए दोस्तों आपने पहले प्ले स्टोर में जाना है, एंड यहाँ पर दोस्तों आपने टाइप करना है द फिट DAFIT, एंड दोस्तों ये ऐप आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है ऐप, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखिए ऐप को ओपन कर लेना है। एंड दोस्तों आपने अपने फ़ोन का जो ब्लूटूथ है उसे ऑन रखना है, एंड जो लोकेशन वाला ऑप्शन है उसे भी दोस्तों आपने ऑन रखना है। एंड फिर दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड अ डिवाइस वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आप सर्च करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी वॉच शो कर रही है वाइज ईओन प्रो। तो दोस्तों यहाँ से आपने वॉच को सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी वॉच फ़ोन से कनेक्ट हो चुकी है, एंड यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 91% हमारी वॉच चार्ज है। एंड दोस्तों जैसे ही आपकी वॉच आपके फ़ोन से पेयर हो जाती है, वॉच में जो डे टाइम है वो ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाता है। एंड दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग को इनेबल करने के लिए दोस्तों आपने वॉच को अपने फ़ोन के ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस में भी कनेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में सर्च करोगे तो देखिए दोस्तों ऐसा शो करेगा ईओन प्रो फ़ोन। तो दोस्तों देखिए इसे आपने सेलेक्ट करके फ़ोन से पेयर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने वॉच को फ़ोन से पेयर कर लेना है ऑडियो डिवाइस में। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुकी है, ईओन प्रो फ़ोन यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे आपके फ़ोन के ब्लूटूथ में ऑडियो डिवाइस में भी वॉच कनेक्टेड शो करनी चाहिए। तो दोस्तों तभी आप इस वॉच में जो कॉलिंग वाला फीचर है वो यूज़ कर पाओगे। एंड दोस्तों इस वॉच में आप कॉल रिसीव भी कर सकते हो एंड कॉल डायल भी कर सकते हो, एंड डायरेक्टली दोस्तों आप इस वॉच के थ्रू कॉलिंग में बात भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि कैसे दोस्तों आप इस वॉच में कस्टमाइज वॉच फेस सेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ऐप में आना है, एंड यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉच फेसेस वाला, एंड यहाँ पे दोस्तों एक एडिट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने आ जाना है, एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए आप कस्टमाइज वॉच फेस सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चूज़ फ्रॉम एल्बम, तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे देखिए एक गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने गैलरी में से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपने अपने वॉच में सेट करनी है। तो दोस्तों देखिए मैंने एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप जूम इन जूम आउट करके फ़ोटो को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड दोस्तों फोटो को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों अभी हमारी जो इमेज है वो सेट हो चुकी है, एंड दोस्तों अब आपने यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों वॉच फेस अभी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों ये कस्टमाइज वॉच फेस अभी हमने सेट किया था इस वॉच में, और देखिए सेट हो चुका है और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस फॉलो करके आप इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के साथ। आप इस वॉच में डे टाइम सेट कर सकते हो, ब्लूटूथ कॉलिंग को इनेबल कर सकते हो, एंड कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी अगर आपकी वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं होती है, तो दोस्तों आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने वॉच की सेटिंग्स में जाना है एंड वॉच को आपने फैक्ट्री रीसेट कर देना है। एंड फैक्ट्री रीसेट करने के बाद दोस्तों आपने दोबारा से सारा प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एंड डेफिनेटली दोस्तों ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपकी वॉच जो है आपके फ़ोन से पेयर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना था। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।